फैसले ले ले तो हमारा तो ये प्रस्ताव नहीं लिखा, मतलब कई बातें निकलती हैं आगे जाके। तो कुल मिला के ये है कि ग्राम सभा में एकता बना के रखें, प्रधान आपने जिन्हें भी चुना है या प्रतिनिधि आपने किसी को भी चुना है ग्राम सभा में, अब मेन रोल क्या है उनका है लीड करने का आगे, लेकिन सपोर्ट आपका है। जब तक आप लोग नहीं होंगे कुछ नहीं कर सकता कोई प्रधान, कोई भी प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता, यानी मैं भी नहीं कर सकता। तो आप लोगों में सबसे पहले ज्ञान बहुत जरूरी है। आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ में कोई ये है कि मुझे नॉलेज नहीं है, चाहे वो हमारे रिकनिखाल ब्लॉक से संबंधित कार्य से है, ठीक है, आपके पेंशन, ठीक है, आपके ग्राम सभा में कार्य किस तरीके से होते हैं, अगर ये बैठकें हैं तो बैठकों में क्या क्या चीज़ें हमें ली जा, क्या चीज़ें हमने लेनी है, क्या चीज़ों पे हमने ज़्यादा फोकस करना है, तो ये चीज़ें आपको भी थोड़ा पता होना ज़रूरी है। इससे पहले जैसे भी बैठकें हुई होंगी मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि आपको किसी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं होगी जब तक मैं यहाँ पर हूँ। आप लोगों को कुछ भी सवाल करना है, कुछ भी, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। और कोशिश ये करें कि किसी भी चीज़ को ना परेशानी में ना बदलें जो सबके लिए परेशानी बन जाए, क्योंकि बैठक का ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक का नहीं बल्कि जितने लोग बैठे हैं उनका दिमाग होता है यहाँ पर। तो जहाँ एक ने डिसीजन लेना है और जहाँ इन सब ने डिसीजन लेना है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोगों के साथ मैं और ये बातें कहना चाहूँगा कि अगर किसी को अपनी कोई बातें रखनी है शालीनता से रखें। बैठकों में क्या होता है कई लोग गुस्से में अपनी बातों को रखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ में। आप अपनी बात को रखें, बिल्कुल आपको अधिकार है बात रखने का, और सही तरीके से रखें, और निर्णय लेने का अधिकार इन सबको है जितने हम बैठे हैं यहाँ, सही क्या हो सकता है ना। तो ये सब आप लोगों को ही करना है, हम तो सिर्फ एक सपोर्टिंग हैंड है कि हाँ हमारे थ्रू ये चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक। तो ग्राम सभाओं में आप मुझे ये बताएं यहाँ पर जो जनसंख्या ये टोटल कितनी है अभी, 350 तकरीबन है यहाँ पे। तो लेकिन गांव में मौजूद कितनी है ये तो वोटर लिस्ट के हिसाब से होंगी, इतना तो है ही नहीं कहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। नहीं वो सब है लेकिन अभी गांव में मौजूद कितने, ये तो सब बाहर होंगे। 160 जनसंख्या ज्यादा बढ़ा दे तो मुफ्त तो बजट भी ज्यादा जिस तरह से यहाँ दिखता है, जैसे खेती वगैरह तो उस हिसाब से लगता है ज्यादा है। हाँ, क्योंकि बाकी जगह तो बिल्कुल छोटा बच्चे लगा के पढ़ने दिन में जाना। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी लगी मुझे कि आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ नहीं वो अब हम टमाटर में कमाते टमाटर बांट देना 80 रुपये के जी, 100 रुपये के जी प्याज 40 रुपये के जी। तो मेन आप लोगों का यहाँ पे आय का स्रोत ये अपना खेती होता है। अच्छा पानी का क्या है यहाँ पे, पानी का प्रॉपर रहता है या परेशानी नहीं? नहीं पानी मतलब पीने वाला, कितने वाले किसी गांव में टैंकर आ रहे थे बहुत दिक्कत परेशानी, जो हमारे नाला है वो सूख जाते हैं। अब हमें अच्छा ये आप जानते हैं उसका कारण क्या है? स्रोत सूखने का क्या? जल स्रोत सूखने का कारण हम लोग हैं, वो हमारे कारण सूखे हैं यार, प्रकृति ने कुछ नहीं किया, प्रकृति